लानत है ऐसे कंटेंट निकलने पे यार, कसम से मेरा दिमाग खराब होता है यार। ओए दो तीन बंदे जी बेशर्मी है यार कसम से। ओ भाई साहब क्या मारा है भाई। वालन स्टार आपका फोटो मार गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने वाली है, आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैंने कॉन्करर लगाया, वो भी सिर्फ 20 घंटों के अंदर, एंड उसमें मैंने ज्यादा मैचेस पाकिस्तानी लॉबी में खेले। पाकिस्तानी लॉबी में मेरी काफी ज्यादा स्ट्रीमर्स के साथ ऑन स्ट्रीम फाइट होती थी, एंड उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ आईपैड स्ट्रीमर्स के पीओवी उठाए हैं। अब इस गेम प्ले में आपको 3 से 4 एनिमी व्यू में आईपैड स्ट्रीमर्स के पीओवी देखने को मिलेंगे, बट अगर हम सही पूछो तो मेरे पास सिर्फ एक ही पीओवी पड़ा हुआ है, जो कि हमारी फाइट होती है हाउ टेक्ट्रॉन के साथ, जो कि हाउ ब्रांड के क्लैन का है। अब उसका पीओवी मेरे पास इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो वाली फाइट हमारी अरबी लॉबी में होती है। अगर वो फाइट भी पाकिस्तानी लॉबी में होती तो शायद मेरी रिकॉर्डिंग उस टाइम भी ऑफ ही होती। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी लॉबी नूबड़ी होती है इसलिए मैंने उसमें रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में यार मैं पाकिस्तानी लॉबी में रैंक पुश कर रहा था, सो स्क्वाड की फाइट्स जो सी होती है ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बताई है कि अब पबजी में कंटेंट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड फाइट में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, आपको स्क्वाड की सपोर्ट होती है तो आप सामने वालों को मार देते हो। सही बताऊं तो यार जितने भी बंदे इस वक्त मिडिल ईस्ट टॉप 100 के अंदर पाकिस्तानी रैंकिंग कर रहे हैं ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने किसी को ना मारा, वो सबको मारा, बट रिकॉर्डिंग किसी भी बंदे की नहीं है। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड रीजन है। एक आईपैड स्ट्रीमर के साथ हमारी 2 दफा फाइट होती है एंड दोनों दफा हम उसकी स्क्वाड को वाइप कर देते हैं, जिसके बाद भाई वो बंदा तो स्ट्रीम पे एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कुछ भी बोलता जाता है एंड इवन उस बंदे को कमेंट भी आ रहे थे कि भाई इनको ये यूट्यूबर है, वो फिर भी बोलता जाता है, कहता है भाई लानत है इनके ऐसे कंटेंट निकालने पर। सो उस बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, एंड इसके बाद आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि जैसे ही न्यू सीजन आता है लोग अपनी 100 RPB भी क्यों करते हैं। खैर आते हैं हमारे गेम प्ले के ऊपर। ये भाई यहाँ पे आईपैड पे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, सामने एक बंदे को डाउन करते हैं। अब जो बंदा पैराशूट में उतरने वाला है वो मैं हूँ, मैं जस्ट रिकॉल होकर उतरता हूँ, एंड इधर आप अपने भाई का रिफ्लेक्स चेक करो। काफी अच्छा सीन था, भाई के नाम के साथ लाइव भी लिखा हुआ था, सो मैंने इनकी स्ट्रीम से पीओवी उठा लिया। कह रहे थे हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ, डायनासोर मेरी तरफ आ रहा होता है साथ ही मैं फौरन से शेक के अंदर घुस जाता हूँ क्योंकि मेरा इसके नीचे आने का कोई भी दिल नहीं होता। इधर ये 2 ही बंदे होते हैं, इनको मैं आराम से डाउन कर देता हूँ। सो आते हैं हमारी मेन बात के ऊपर। इस भाई के फेसबुक के ऊपर 7.5 लाख मतलब काफी बड़ी ऑडियंस है भाई की, एंड इधर आप भाई की जरा बातें सुनो। शर्म नहीं आती भाई, स्ट्रीम में खोल के बैठ जाते हो नुबड़ो, थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। मुझे बड़ी तब चढ़ते इन लोगों के ऊपर। देखो ये लोग ना जो भी ये स्ट्रीम स्नाइप करते हैं ना भैंस की टांग यार, मुझे बड़ी इनके ऊपर थप चढ़ती है। ये एक किस्म का जो हैकर है ना, सेम हैकर वाला इनका भी वही है, सीधा लोकेशन देखिए वहाँ पे ऊपर आ रहे हैं भाई। अजीब गंद है यार, बहुत बड़ी चवल बनती है यार ये स्ट्रीम स्नाइपिंग। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भाई स्ट्रीम स्नाइप करते हुए लानत है ऐसे कंटेंट निकलने पे यार, कसम से मेरा दिमाग खराब होता है यार। एक बंदे को जलील करके मैं सुबह का यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने नाश्ता तक नहीं किया, अभी टाइम क्या हो गया, रात को मैं सोया नहीं हूँ, रात को स्ट्रीम बंद की 2-3 बजे, उसके बाद सुबह मैं नहीं सोया, सो ही नहीं सका, उसके बाद अभी मैं उस टाइम का बैठा हूँ, मैंने नाश्ता भी तक नहीं किया भाई, टाइम ही नहीं है, नाश्ता कैसे करूँ मतलब। अब ये जरा सीन स्टार्ट होता है इधर से पेट्रोल पंप पे, मरीन के साथ पहली फाइट होती है। अब पेट्रोल पंप पे आप लोग पहले फाइट देखो एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में सीन क्या हुआ है। ओए डायनो आ गया, अरे इजी ओके बॉयज, इधर काशिप कवर में, इजी ओके काशिप पैरों पे पड़े मसाब, इजी ओके ली, इजी ओके चिल कर, एक साथ घुस रहे हैं। अरे कोई बात यार, इनका एक बंदा भी नहीं, आप लोगों ने डाउन किया, क्या कर रहे हैं। एक नॉक करना है ऊपर से, तीन और
अब इधर तक सब कुछ सेट सीन है, हम लोग इनको मारते हैं। असल में हम लोग इवेंट क्लियर करते हैं एंड इवेंट के बाद हम लोग दूसरे इवेंट पे बंदे ढूंढने जाते हैं। उधर बंदे नहीं होते तो अभी आप लोग मैप देखना, ये जोन का एज होता है मिलिट्री की साइड का ना। आप लोग कहते हैं चलो यार जाते जाते पेट्रोल पम्प चेक करते जाते हैं, हो सकता है बंदे हों। उधर मैं इनके साथ फाइट होती है एंड उस फाइट के बाद आप लोग अभी ये मैप चेक करो, पुचिंकी रेड पॉइंट। अगर कोई बंदा पेट्रोल पम्प पे, हम लोग सोचते हैं इधर से पुचिंकी चलते हैं, पुचिंकी से जोर जो चलेंगे। अब ये हमारा जो प्लान था उस टाइम, हम लोग पुचिंकी की साइड में आते हैं एंड ये लोग उधर ही होते हैं। सो मारिन के साथ दोबारा से फाइट हो जाती है। ये कहाँ से पहुंच गए भाई? यार ये एग्जैक्ट वहीं पे फिर पहुंच गए हैं यार, कैसे लोग हैं यार? यार शॉप पर पहले मुझे लग रहा आप लोग 10 सेकंड पीछे करके देख लो। जब हम लोग डायनासोर लेके रुकते हैं ना भाई, थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं। अब हल्की सी मूवमेंट से हमारे हेडफोन इतने अच्छे होते हैं कि हमें बंदे का पता चल जाता है। सो हम लोग इनको आराम से दोबारा से वाइप कर देते हैं। अब अगर मैं आपको सही बताऊं तो यार मैं भाई को नहीं जानता था। अब भाई की उस टाइम फेसबुक एंड यूट्यूब दोनों जगह पे स्ट्रीम चल रही थी एंड अगर इनको कोई 700-800 बंदा उस टाइम एट ए टाइम देख रहा था तो यार कोई 10-20 बंदे तो मुझे भी जानते थे। एंड उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं आपकी स्ट्रीम चेक करूं। तो मैंने जब इनकी पहली दफा स्ट्रीम देखी तभी मैंने देखा एंड ये सब सीन मुझे पता चला। तो मैंने कहा यार अब इतनी बड़ी ऑडियंस है, बात को क्लियर करना तो बनता है। अब देखो यार आप लोग शायद समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने स्ट्रीम स्नाइप किया, तो आप लोग ये वाला क्लिप चेक करो। ये क्लिप आज से कुछ 3-4 माह पहले का क्लिप है। इधर मेरी एक फेसबुक स्ट्रीमर के साथ फाइट होने वाली है जिसके ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोवर्स हैं। इधर मैं जस्ट रिकॉल होकर उतरता हूँ, सामने मुझे एक बंदा आता है, इस बंदे को मैं डाउन करता हूँ एंड इस बंदे को यहाँ पे मैं रिवाइव होने देता हूँ। अब 1v3 का सीन है, एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ, साथ ही एक बंदा ऊपर की साइड से आता है। ओ भाई साहब ये बंदा यहाँ पे मुझे काफी लो कर देता है क्योंकि मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट होता है। जल्दी से मैं किट लगाता हूँ। अब लास्ट वाला बंदा इनका नीचे की साइड से आ रहा है। ये गाइस इसी के साथ हमारा 1v3 होता है कंप्लीट। आते हैं हमारी। अब इस बंदे का भी मुझे तब पता चलता है जब आप लोग ही कमेंट करके मुझे बताते हो कि भाई आपने स्ट्रीमर के ऊपर क्लच किया। मैं फौरन से जाता हूँ उसकी फेसबुक के स्ट्रीम देखता हूँ तो वो बंदा मेरी जो फाइट होती है उसको अपनी स्ट्रीम में से ट्रिम कर चुका होता है। अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अगर मैं एक 2 लाख फॉलोवर्स वाले बंदे के ऊपर ऑन स्ट्रीम क्लच कर रहा हूँ तो मैं अपना POV क्यों नहीं निकालूंगा एंड मैं कंटेंट क्यों नहीं अपलोड करूंगा। बट मैंने ऐसा कोई सीन नहीं किया क्योंकि यार मुझे वाकई नहीं पता। असल में हम लोग अपने कंटेंट में इतने बिजी रहते हैं, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपना कंटेंट बनाते उसको अपलोड करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जाके चेक करते रहे कि कौन बंदा क्या कंटेंट बना रहा है। अब बात की तरह वापस आते हैं, भाई एज में मेरे से बड़े हैं तो हंटर भाई के लिए एक मशवरा है। एंड देखो यार कोई हेट वाला सीन नहीं है, आप में से भी कोई बंदा खबरदार किसी को हेट दे, मेरी तरफ से मैं कभी किसी को हेट नहीं देता। मैं भाई को एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, अगर आपने ऑन स्ट्रीम कॉन्करर लगाना है तो कम अज कम अपना नाम हाइड कर दो। अगर आप अपना नाम नहीं हाइड कर सकते तो कम से कम अपना प्लेन हाइड कर दो RP वाला। अब आप अगर ये चाहते हो कि लॉबी में जाते पता भी चलना चाहिए कि हंटर आया है एंड आप जिस कार्ड को मारो उनको पता चलना चाहिए कि आपने मारा है, तो भाई आप खुद लोगों को अलाउ कर रहे हो। मैंने तो स्ट्रीम स्नाइप नहीं किया बट जो बंदा भी देखेगा ना आपको एंड अगर वो आपको जानता है तो वो फौरन से आपकी स्ट्रीम ओपन करेगा एंड वो बंदा आपको स्ट्रीम स्नाइप जरूर करने आएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा यहाँ तो अपना नाम हाइड करके रैंक पुश कर लें या अपनी गेम थोड़ी और अच्छी कर लें कि अगर आपको कोई बंदा स्ट्रीम स्नाइप करने आए तो कम से कम आप फेस टू फेस फाइट में 1v4 भी निकाल ले। कह रहे थे हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ, ये वाली फाइट होने वाली है हमारी हाउ क्लैन के साथ एंड एक बंदा फौरन से मेरी बिल्डिंग में आता है। मैं सामने वाली बिल्डिंग में होता हूँ एंड अभी आप पहले इनका POV एंजॉय करो। ना भाई वैसी मोल है महीने का, तो महीने का बोटा समझा हुआ है तो यार, तो नीचे लोडू में समझा बंदा है। उकरू तो ये भाई ये पायलट आ रही इलेक्ट्रॉनिक सही से रिएक्शन सही ओपी था दे ठीक है बस मैं फायर की। ओ भाई साहब क्या मारा है भाई। असल में यार ये अरबी लॉबी होती है, इनका भी कॉन्करर होता है, मेरा भी कॉन्करर होता है। बट कॉन्करर करने के बाद जैसे कि मैंने कहा था मैं अपने कंटेंट की तरफ वापस आ जाऊंगा, सो मैं क्लचेस निकालने के लिए अरबी लॉबी में आ जाता हूँ एंड इन लोगों के साथ हमारी मैचिंग हो जाती है। सो मेरी रिकॉर्डिंग भी ऑन होती है, मैं नेट करने की ट्राई करता हूँ। एक बंदा मेरी बिल्डिंग में आता है एंड अभी आप लोग जरा फाइट इंजॉय करो। एक
एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ, दूसरे बंदे की लोकेशन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। सो मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो यार पुश करते हैं, जो हुआ देखा जाएगा। इसी के साथ भाई को थोड़ा अच्छे वाला रिफ्लेक्स पड़ जाता है। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली दफा तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, एंड गाइस किसी को हेट वगैरह नहीं देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।